बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स मीडिया में। महुराज राव देख रहे हैं स्पोर्ट्स मीडिया शुरू चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 21-24 के पार्ट वन के छात्र छात्राएं परीक्षा की फाइनल तिथि रूटीन के माध्यम से जारी कर दी गई है। परीक्षा जो है आपकी दो पाली में ली जाएगी, फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपका ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम कब है और कैसे आप परीक्षा देने जाएंगे। साथ ही आपका जो सब्सिडरी की परीक्षा जो शुरू होगी वह सब्सिडरी परीक्षा कब से शुरू होगी। वहीं जो छात्र छात्राएं जनरल कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं बीए जनरल या बीएससी जनरल या बीकॉम जनरल, उनकी जो है परीक्षा कब से शुरू होगी, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात वीवीआई क्वेश्चन की। तो आपका नाम छात्र छात्राएं, यदि आपको वीवीआई क्वेश्चन चाहिए तो अब हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपने सेशन का नाम बताएं, अपने अनर्स सब्जेक्ट का नाम बताएं, अपने सब्सिडरी सब्जेक्ट का नाम बताएं। आपका MIL हिंदी 100 नंबर है या 50 हिंदी 50 अंग्रेजी है, उसका नाम बताएं, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। उसके बाद से वीवीआई क्वेश्चन आपको PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन मिलेगा ओनली, आंसर आपको उसका गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। हालांकि कुछ मेंटेनेंस चार्ज आपको पे करने होंगे, उसके बाद से व्हाट्सएप के जरिए आपको भेज दिया जाएगा वीवीआई क्वेश्चन। ध्यान रहे एक बात कि अभी जो वीवीआई क्वेश्चन तैयार हुई है सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स की, आर्ट्स में भी उर्दू ऑनर्स या उर्दू सब्सिडरी, साथ ही संस्कृत ऑनर्स या संस्कृत सब्सिडरी या संस्कृत या उर्दू में से 50 नंबर का आपका है तो उसका वीवीआई क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है, उस हिसाब का रेडी नहीं किया जाता है। तो उर्दू और संस्कृत छोड़ा करके बाकी जो भी सब्जेक्ट है उनके वीवीआई क्वेश्चन अवेलेबल है। साथ ही कॉमर्स में जो है अकाउंट ऑनर्स के जो छात्र छात्रा हैं उनके वीवीआई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन ध्यान रहे आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेगा, तो आप हमें उस नंबर पर व्हाट्सएप करें। एक चीज़ और, साइंस का तमाम छात्र छात्राएं, साइंस का अभी एक पेपर भी वीवीआई क्वेश्चन रेडी नहीं हुआ है। साइंस वाले को 10 तारीख तक 10 अक्टूबर तक अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। दशहरे की छुट्टी है, कोई स्टाफ नहीं है, अकेले मैं आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई करूंगा। तो तमाम छात्र छात्राएं साइंस वाले आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, लेकिन अभी प्लीज अभी मैसेज आप ना करें। साइंस वाले 10 अक्टूबर से आप लोग मैसेज करें। वहीं जो आर्ट्स और कॉमर्स के छात्र छात्राएं, मैसेज आज से आप लोग करना शुरू कर दीजिए। आपको आज से लेकर के कल या परसों तक तमाम छात्र छात्राओं को रिप्लाई दे दिया जाएगा। मैं मैन्युअली अकेले रिप्लाई करूंगा, तो यदि कुछ ज़्यादा मात्रा में छात्र छात्राएं होंगे तो थोड़ा वक्त लग सकता है आपको रिप्लाई जाने में, तो थोड़ा संयम बरतिएगा। हम हर एक स्टूडेंट तक पहुँचेंगे ज़रूर। तो अपने सब्जेक्ट का नाम वगैरह बताइए, जो मैंने चीज़ आपको बताइए, और वीवीआई क्वेश्चन PDF फॉर्मेट में रिसीव कीजिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में तैयार कीजिए। अब हम बात करते हैं रूटीन समझने की। देखिएगा एक चीज़, तो यहाँ पर भी सारे सब्जेक्ट के नाम मेंशन है, और एक चीज़ यहाँ पर भी देखिएगा तो यहाँ पर भी सारे सब्जेक्ट के नाम मेंशन है। तो ये दो जगह सब्जेक्ट के नाम मेंशन है, तो इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज नहीं होना है, अभी हम क्लियर कर देंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि भाई एग्ज़ाम शुरू कब से हो रहा है और लास्ट कब तक है। तो जितने भी ऑनर्स के छात्र छात्रा हैं, साइंस को कॉमर्स को या आर्ट्स के, यदि आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है तो ऑनर्स वाले का 18 तारीख से शुरू होगा एग्ज़ाम, और ऑनर्स तमाम पेपर के एग्ज़ाम 22 अक्टूबर तक ख़त्म कर लिए जाएंगे। और यहाँ पर जो ग्रुप यहाँ पर जो दिया जाता है, ये ग्रुप्स वगैरह, ये सिर्फ ऑनर्स के लिए लागू होता है। आप तमाम छात्र छात्रा हैं, यदि आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट है तो इसमें मत देखिएगा, इसमें तो सब्जेक्ट सब्सिडरी का देखिएगा ही नहीं, साफ साफ यहाँ पर ऑनर्स सब्जेक्ट का नाम मेंशन है। जब बात सब्सिडरी की आएगी तो यहाँ पर ताका झाकी कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। अब देख पा रहे, तो ऑनर्स जो हुआ 18 से शुरू हो रहा है ऑनर्स पेपर, और 22 तारीख तक आपके पेपर वन और पेपर टू पार्ट वन में होते हैं, दोनों ले लिए जाएंगे। उसके बाद जब ऑनर्स की परीक्षा समाप्त हो जाएगी तब आप लोग दिमाग लगाइएगा कि चलो सब्सिडरी अब कब से शुरू हो रही है, तो अब यहाँ पर आइएगा। वहीं जो बी एस जनरल बी एस सी जनरल बी कॉम जनरल कर रहे हैं उनका तो ऑनर्स होता नहीं है, तो जनरल और सब्सिडरी की परीक्षा जो है आपको 3 नवंबर से शुरू होगी और 15 नवंबर तक आप तमाम छात्र छात्राओं के परीक्षा चलेंगे सब्सिडरी और जनरल की। आप देख पा रहे, तो यहाँ ऑनर्स का है और यहाँ सब्सिडरी का है। सब्सिडरी पर हमें कब ध्यान देना है, जब ऑनर्स का परीक्षा ख़त्म हो जाएगा तब, लेकिन कम से कम देख तो लेते हैं ना कि हाँ ख़त्म कब होगा। तो ध्यान रहे ऑनर्स का जो भी सब्जेक्ट होता है उसको हमेशा से ग्रुप में रखा जाता है, तो आपको अपना ग्रुप याद रखना है कि मेरा सब्जेक्ट जो है ऑनर्स वाला सब्सिडरी ग्रुप में नहीं आता है, ऑनर्स सिर्फ आता है कि ऑनर्स हमारा किस ग्रुप में। तो एग्जांपल के लिए देखिएगा, यहाँ पर एग्जांपल क्या है, ओरिजिनल रूटीन है। तो ग्रुप ए में जो है, अब देख पा रहे जीआर मतलब ग्रुप और ऑनर्स सब्जेक्ट है। ग्रुप ए में जो है संस्कृत है, म्यूजिक है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथ है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है। अभी ग्रुप सिर्फ देखिए, ठीक, इसमें से कोई आपका ऑनर्स है तो टिका के रखिए आँख कि मेरा हाँ इस ग्रुप में मेरा ऑनर्स पढ़ रहा है। अब ग्रुप बी में देख लीजिए, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, होम साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है और कॉमर्स है। कॉमर्स में तमाम छात्र छात्राएं, आपका अकाउंट ऑनर्स हो,
या कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, बिजनेस फाइनेंस हो, सबका कॉमर्स में ही एक ही बार में गिनती कर लिया जाता है। तो बी में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ए में देख लिया आपने, अब देखिए सी में कौन है। तो हिस्ट्री है, भोजपुरी है, प्राकृत एंड जेनोलॉजी पी के एंड जी होता है, उसके साथ ही बंगाली और उर्दू है। ग्रुप सी हो गया। अब देखिए ग्रुप डी में तो जूलॉजी, इंग्लिश, मैथिली, पर्सियन, LSW, फिलोसफी, AIH एंड C, यानी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, साथ ही बोटनी, जोग्राफी और साइकोलॉजी है। तो देख लिया आपने तमाम सब्जेक्ट। अब एक बार आप लोग नज़र टिका के देखिए कि आपका जो ऑनर सब्जेक्ट है कौन ग्रुप में पढ़ रहा है। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि हाँ कौन ग्रुप में पढ़ रहा है। तो अब आपका पेपर वन का एग्जाम किस दिन होगा, अब यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा तो फर्स्ट सीटिंग में और सेकेंड सीटिंग में, दो सीटिंग में एग्जाम होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ आपका एक पेपर फर्स्ट सीटिंग में हो गया और एक पेपर सेकेंड सीटिंग में हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको टाइम मिलेगा, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर है ग्रुप ए का फर्स्ट पेपर, ग्रुप ए वाले का फर्स्ट पेपर 18 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में 9 बजे से 12 बजे तक होगा ग्रुप ए वाले का। और मैंने आपको बता दिया ना कि ग्रुप ए में कौन सब्जेक्ट है, तो देख पा रहे ना, संस्कृत है, म्यूजिक है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथ है, हिंदी, सोशियोलॉजी है, तो ग्रुप ए ये है। और इसमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है ऑनर सब्जेक्ट है तो आपका पेपर वन जो हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं 18 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा पेपर वन, ठीक, फर्स्ट सीटिंग में। अब ग्रुप बी में कौन है, तो ग्रुप बी में आप देख पा रहे हैं 18 तारीख को सेकेंड सीटिंग में ग्रुप बी वाले का एग्जाम फर्स्ट पेपर होगा। पेपर के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, फर्स्ट पेपर 2 बजे से 5 बजे तक। तो ग्रुप बी में कौन है, तो जिसका भी केमिस्ट्री ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है, होम साइंस ऑनर्स है, या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, या कॉमर्स में आपका कोई है और आपका ऑनर्स है, तो बी आप देख पा रहे हैं ये बी वाले का फर्स्ट पेपर जो हो जाएगा कब, 18 को सेकेंड सीटिंग में हो जाएगा। तो बी वाले का भी एक पेपर हो गया और ए वाले का भी एक पेपर हो गया। अब किसका होगा, तो सी वाले का भी तो कम से कम एक पेपर होना चाहिए ना, तभी तो जाकर के ग्रुप ए वाले का पेपर दूसरा भी शुरू होगा। तो पहले सी वाले का हो जाएगा पेपर वन। तो आप देख पा रहे हैं 19 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में जिसका भी ग्रुप सी में है, हिस्ट्री जैसे कि है, भोजपुरी है, प्राकृत एंड जेनोलॉजी है, बंगाली है और उर्दू है, तो ग्रुप सी में से आपका सब्जेक्ट है, तो आपका पेपर वन का एग्जाम 19 तारीख को होगा, 18 को नहीं 19 को फर्स्ट सीटिंग में हो गई। अब ग्रुप डी में देख लीजिए, डी में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से, तो डी में से कोई आपका सब्जेक्ट मैच कर रहा है, यदि हाँ देख लीजिए 19 तारीख को सेकेंड सीटिंग में ग्रुप डी में से कोई भी सब्जेक्ट आपका मैच कर रहा है तो सेकेंड सीटिंग में आपका फर्स्ट पेपर का एग्जाम होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चार ग्रुप बनाए गए थे ना, चार ग्रुप में सारे सब्जेक्ट थे, 18 और 19 तारीख को सभी का पेपर वन का एग्जाम 2 दिन में ख़त्म कर लिया गया। अब बारी पेपर टू की आई, तो अब ग्रुप ए में यदि आपका सब्जेक्ट है तो पेपर वन तो हो गया 18 को, तो पेपर टू कब होगा, तो पेपर टू के लिए आपको 21 तारीख को जाना है। आपको कितने दिन का वक्त मिला, 19, 20, 2 दिन का वक्त मिल गया, 21, तीसरे दिन आपका पेपर टू होगा, 20 को एग्जाम नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं ग्रुप ए वाले का पेपर टू 21 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा, सेकेंड वाला पेपर। ग्रुप ए में कौन है आपने देख लिया है, और बी वाले का जो है 21 तारीख को सेकेंड पेपर आप देख पा रहे हैं सेकेंड सीटिंग में हो जाएगा। वहीं सी वाले का सेकेंड पेपर आप देख पा रहे हैं 22 तारीख को फर्स्ट में हो जाएगा, फर्स्ट सीटिंग में। और डी वाले का आप देखिएगा तो ग्रुप डी वाले का सेकेंड पेपर 22 तारीख को सेकेंड सीटिंग में होगा। तो ये हो गया आपका ऑनर्स। जब इतना आप लोग निपट लीजिएगा तब यहाँ पर इसमें ध्यान दीजिएगा, ये सारे सब्सिडरी है और इसमें ग्रुप का मैटर नहीं होता है। ग्रुप का मैटर थोड़ा फंस जाता है कहाँ पर आके, जब आपके MIL हिंदी की परीक्षा होती है ना, 100 नंबर वाला MIL जिसे हम कंपोजिशन भी कहते हैं और कंपलसरी सब्जेक्ट भी कहते हैं, तो उसमें थोड़ा ग्रुप लागू होता है। बाकी आपका सब्सिडरी है, साइकोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बोटनी है, जूलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कोई भी आपका सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी सबका सेम ही होता है और सभी ग्रुप वाले को सब्सिडरी का जो एग्ज़ाम जब उसका होता है, मान लीजिए कि ना किसी का फिलोसफी सब्सिडरी है लेकिन उसका ऑनर ज्योग्राफी है, और किसी का ऐसा कि जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है, किसी का इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, लेकिन तीनों का ऑनर्स अलग अलग है लेकिन फिलोसफी तीनों का सब्सिडरी है, तो तीनों ऑनर्स वाले छात्र छात्राओं को फिलोसफी सब्सिडरी देने के लिए एक ही दिन आना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझा है कि ऑनर्स का एग्ज़ाम आपका कब है, कैसे है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका सब्सिडरी और जनरल कोर्स की परीक्षा कब है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये वाला पोर्शन, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाते हैं। फिलहाल आपको VVI क्वेश्चन चाहिए तो आप नंबर पर जो दिया गया है उस पर व्हाट्सएप करें, अपने सब्जेक्ट का नाम बताएं, आपको आज से क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा और रिप्लाई भी मिलना शुरू हो जाएगा अगले 2 से 3 दिन में। तमाम छात्र छात्राओं को टच करके, उनसे बात करके उनको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। हालांकि साइंस वाले को 10 तारीख तक इंतजार करना है, साइंस वाले अभी मैसेज ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।